हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में पैसिव ट्रांसपोर्ट और साथ में टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह के एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग देखते और समझते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते किसको। तो सबसे पहले जो हमको जानना चाहिए कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते किसको, तो कहने का मतलब क्या कि कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल जो है अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट देखने को मिल रहा है उस आयंस या मॉलिक्यूल्स को, तो हम लोग बोलेंगे कि यह पैसिव ट्रांसपोर्ट है। साथ ही साथ इस तरह के ट्रांसपोर्ट में कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं होता है। तो सरल भाषा में कहें तो यह काफ़ी इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट है। तो हमने बस इतना ही सीखा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन का मूवमेंट किसी भी आयंस और मॉलिक्यूल्स का थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट का बेसिक फंक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग कि कितने तरह के सिंपलरी इन जनरल आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। तो तीन कॉमन टाइप्स के पैसिव ट्रांसपोर्ट जो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन, और उसके बाद हम लोग ऑस्मोसिस और फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन है क्या। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें नो चार्ज, कोई भी चार्ज ना हो, या लिपिड सोलबल मॉलिक्यूल हो और अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पास करते हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एलोंग द डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कोई ऐसे मॉलिक्यूल जो चार्ज नहीं है या लिपिड सोलबल मॉलिक्यूल है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। साथ साथ ध्यान रखना है, हम आगे बात भी करेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी तरह का कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस डायरेक्टली डिफ्यूज होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनी एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, मतलब विदाउट एनी एटीपी। और इस तरह का जो एग्जांपल काफ़ी सिंपल आप पाएंगे कि सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसियस एक्सचेंज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक्स प्रक्रिया में भी मिलती है, या ह्यूमन में भी सेल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के समय या कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के समय हमको ये देखने को मिलती है। मतलब कि अगर ये सेल है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल अगर यहाँ ज़्यादा है, बाहर में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है, तो ये इस तरह से डिफ्यूज होगा। टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा है तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन, तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। अब बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का और फिर हम ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को समझते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी क्या है, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जनरली क्या होते, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, लिपिड सोलबल। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पास करते हैं, लेकिन पास होने के दौरान अगर वो किसी तरह का चैनल प्रोटीन का लेते हैं, ये चैनल प्रोटीन है और हमारा ये कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। यह भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर या तो चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमको उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और यह सिंपल डिफ्यूजन से डिफरेंट है इस मामले में कि यहाँ पर कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन का रोल होता है। सिमिलरिटी दोनों में एक ही चीज़ है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन
हैड नो एटीपी इन्वॉल्वमेंट। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट। अगर आपको ध्यान होगा तो हम पढ़ते थे कि इंटेस्टाइन में बेसल रीजन पर, मतलब बेसल रीजन पर देखते थे कि यहाँ पर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता था, नहीं कैरियर प्रोटीन था, और उसके माध्यम से ग्लूकोज बाहर ट्रांसपोर्ट होता था। तो इसको हम लोग बोलते थे फैसिलेटेड डिफ्यूजन के नाम से हम लोग जानते थे। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस को, लेकिन इसके पहले अगर आपने फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या कैरियर प्रोटीन है और क्या चैनल प्रोटीन है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कहते किसको है, यह भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, और यहाँ पर क्या है, सुगर मॉलिक्यूल हैं जो एक ही हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन, लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन दूसरे में ज़्यादा है, हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वाटर का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा लो सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आपको मूव करते हुए अल्टीमेटली मिलते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं, और यह काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का, बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट रूट्स होता है तो वहाँ पर ऑस्मोसिस प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि ऑस्मोसिस भी एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है जो लो सॉलिड कंटेनिंग एरिया से हाई सॉलिड कंटेनिंग एरिया की हो। और ये पार्टिकल क्या है, एक तरह से वाटर पोटेंशियल भी क्रिएट करने का काम करते हैं, उसे कंफ्यूज नहीं करना है। लो सॉल्यूट का मतलब हो गया हाई वाटर पोटेंशियल, और हाई सॉल्यूट कंटेनिंग को हम लोग बोलते हैं लो वाटर पोटेंशियल, और वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है पैसिव ट्रांसपोर्ट का लाइफ सेल में, क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यह पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक नेचुरली अक्रिय फिनोमिना है जिसमें क्या एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कोई भी जो डिफ्यूजन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव होता है। साथ ही साथ यह पैसिव ट्रांसपोर्ट मेंटेन करने का काम करता है डायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका, डायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सेल के अंदर जो वाटर है, गैसियस और न्यूट्रिएंट है, वेस्ट मटेरियल है, वो सेल से बाहर निकलते हैं और अंदर जाते हैं, और जो अलाउ होता है स्मॉल न्यूट्रिएंट और गैसियस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर सेल है तो सेल से कुछ बाहर भी आ रहे हैं और कुछ अंदर भी जा रहे हैं, और ये मूवमेंट तब तक होते रहता है जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मतलब बराबर ना हो जाए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आप मूवमेंट तो देखने को मिलता है पार्टिकल का, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का चेंज होता हुआ नहीं प्रतीत होता है। तो यह सेल के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसमें भूमिका के लिए मेंटेन डायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा किया जाता है। ट्रांसपोर्ट देखने को तो मिलता है लेकिन सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होने का कारण क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट कब रुक जाता है, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए उस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। इस वीडियो में बस इतना ही कुछ, लेकिन अगर आपने जेके बायोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप सी एस एट नेट लाइफ साइंस की तैयारी करते हैं या किसी तरह की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए जुड़ सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अपना कमेंट जरूर लिखें, हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक्स वंस मोर।